थैंक यू सो सो मच फॉर लाइकिंग ऑल अवर वीडियोस। इतना ज्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत आभार। अब तक हर एक वीडियो को आपने बहुत ज्यादा प्यार और दुनिया में बोलते हैं शेयरिंग इज कैरिंग। आपके हर एक सीए फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करो और पावर दिखाइए आपका, ताकि हर एक को समझ में आए कि हमारा टीचिंग कैसा है, हमारी मेथोडोलॉजी कैसी है और सबको इसका फायदा मिल सके। वापिस एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज एंजॉय द वीडियो। थैंक यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका वापिस एक बार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ ब्रिलियंट टॉपिक, बहुत ही अद्भुत टॉपिक की बात करेंगे, जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सर क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, व्हाट इज देयर इनसाइड दिस, कितने प्रश्न है, सब कुछ जानेंगे, बने रहिए। लेट अस स्टार्ट राइट अवे। क्या है ये टॉपिक? देखिए दोस्तों, आज हर जगह पे इंटरनेट है। कोई ऐसे 5-7 डिवाइस बोलिए जिसमें इंटरनेट है। कंप्यूटर, मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन में भी इंटरनेट आ चुका है, ईयरफोन्स में इंटरनेट है, घड़ी के अंदर इंटरनेट है, गाड़ियों के अंदर इंटरनेट है, रेडियो के अंदर इंटरनेट है, और वॉशिंग मशीन में भी इंटरनेट है, कैमराज में भी इंटरनेट है, हर जगह पे इंटरनेट है। क्यों ना इंटरनेट का इस तरीके से यूज किया जाए कि सब काम ऑटोमेटिक हो जाए, विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। इसी को हम IoT बोलते हैं। मतलब इंसान इंसान से बात नहीं करता, इंसान कंप्यूटर से बात नहीं करता, सब काम हो जाते हैं। लगता चमत्कार है बट है हकीकत। इसी कॉन्सेप्ट को हम IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? अरे इंटरनेट इतनी जगह पे है तो क्यों ना इंटरनेट का यूज ऐसे करे कि सब काम ऑटोमेटिक हो जाए। इंसान इंसान से बात नहीं करेगा, इंसान कंप्यूटर से बात नहीं करेगा और घर के सब काम हो जाएंगे। यू विल फील कि ये हो कैसे रहा है। इसी को हम IoT बोलते हैं। ज्यादा समझने के लिए मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूं, बेहतर समझ में आएगा। नंबर 1, US UK में कैसे काम होता है आपको बोलता हूं। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, GPS यूनिट जो गाड़ी का है वो ऑटोमेटिक ट्रैक करेगा किधर एक्सीडेंट हुआ और 2 लोगों को SMS भेजेगा। एक एम्बुलेंस को मैसेज जाएगा, दूसरा पुलिस स्टेशन को जाएगा। पुलिस स्टेशन को क्यों जाएगा? क्या किसी ने एक्सीडेंट किया है तो पुलिस स्टेशन उधर आके वेरीफाई कर सके। और एम्बुलेंस को क्यों जाएगा? 1 सेकंड में इंसान को बचा सके। भारत में तो एक्सीडेंट होने के बाद कितने समय बाद कितने लोग ऐसे ही मर जाते हैं। 1 सेकंड में एम्बुलेंस आ जाएगी, 2-3 मिनट के अंदर सबसे पास वाला एम्बुलेंस आएगा और इंसान बच सकता है। सेकंड एग्जाम्पल लेता हूं, घर के अंदर भी IoT आने लगा है। हाउसेस के अंदर कैसे काम होता है आप शॉक हो जाएंगे ये भी सुन के। घर के अंदर क्या होता है? सब डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है। जैसे ही आप घर के बाहर गए, सेंसर महसूस करेगा घर में कोई इंसान नहीं है, और उसके बाद 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक लाइट्स ऑफ हो जाएगी, पर्दे ऑफ हो जाएंगे, कर्टन शट ऑफ होंगे, लाइट ऑफ होगी। आपको लग रहा है ये भूत कर रहा है? नहीं, इसी को हम IoT बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, उसके बाद जैसे ही आप घर से वापिस अंदर आए, वो सेंसर महसूस करेगा कोई इंसान तो अंदर आया, और ऑटोमेटिक लाइट चालू होगी, कर्टेंस चालू हो जाएंगे। आपको लग रहा है ये सब वो कैसे रहा है? इसी को IoT में। मैं खाली बात नहीं करूंगा, ये एग्जांपल आपको लाइव भी पढ़ाऊंगा ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, आजकल क्या होता है गाड़ियों के अंदर, हमारे भारत में तो क्या गाड़ी खोल लेते एकदम उसके बाद देखते ये प्रॉब्लम है। US UK में कुछ गाड़ी ऐसी है मैन्युफैक्चरर ही एनालाइज करता है क्या प्रॉब्लम है। आप गाड़ी चला रहे हो ना, अचानक से कॉल आता है आपको फोर्ड का, हेलो। आप बोले हेलो क्या हुआ? सर आपकी गाड़ी के गेयरबॉक्स में प्रॉब्लम है, 18-19 किलोमीटर चला लो, मैक्सिमम 30 चला लो, 30 के बाद प्रॉब्लम आ सकता है, आप प्लीज गैरेज में आ जाना। आप बोले आपको कैसे पता, आप भगवान हो? नहीं, IoT, मैं IoT से एनालाइज कर रहा हूं इसके गेयरबॉक्स में प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको बता रहा हूं। अरे पहले से ही सावधान रहे तो आपके लिए अच्छा है, दुर्घटना ना हो। आर यू क्लियर? और आप बोले तो वे थिंग्स आर हैपनिंग, माइंड ब्लोइंग। चौथा एग्जांपल लेता हूं, आजकल क्या होता है, कोई शॉपिंग स्टोर पे जाइए आप US के अंदर, एज सून एज यू वॉक इन टू अ शॉपिंग स्टोर, लाइट्स होगी 4-5, उसी चीजों पे लाइट होगी जो आपको पसंद है। आप बोले ये क्या नया स्टॉक आया है, ये 4-5 चीजों पे ही लाइट है। सामने से जवाब क्या आएगा पता है? वो बोलेंगे साहब ये नया स्टॉक नहीं है, आपको ऐसा स्टॉक ही पसंद आता है। बोला आपको कैसे पता? हमने आपका पिछले 10 साल का शॉपिंग पैटर्न को एनालाइज किया है,
और समझा है कि आपको ऐसे टाइप के कपड़े ही पसंद है, ये तो उल्टा पुराना स्टॉक है हमारा, बट आप यही टाइप के कपड़े पहनते हो। आप बोले यार थोड़ा सा आप और आगे जाओगे ना, सर आपको ये बेल्ट पसंद है क्या लाइट वाला? आप बोले कैसे, उसी बेल्ट पे लाइट। सर आप पिछले 10 सालों से ऐसा ही बेल्ट पहनते आ रहे, थोड़ा और आगे गए, इसके साथ ये जूते बेस्ट लगेंगे। आप बोले आपको कैसे पता? सर आपकी चॉइस हमें पता है, वी हैव एनालाइज्ड योर पास्ट 10 ईयर शॉपिंग डेटा एंड वी फील दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। आप बोले ओ माय गॉड आर यू गॉड? बोले नो देयर समथिंग बियॉन्ड गॉड, नाम तो सुना होगा IoT। दोस्तों एक और एग्जांपल, मोदी साहब अपने स्वच्छ मिशन के अंदर भी ये यूज कर सकते हैं। स्वच्छ अभियान को अगर आपको भारत को और आगे लेके जाना है, IoT यूज करो ना। हर एक डस्टबिन को IoT के सेंसर से टैग करो, हर डस्टबिन में एक सेंसर लगा दो। अब क्या होगा, जैसे ही वो डस्टबिन फुल होगा ना, क्लीनिंग सुपरवाइजर को मैसेज जाएगा, म्युनिसिपैलिटी के सुपरवाइजर को, ए डस्टबिन फुल हो चुका है, खाली करवाइए। पर क्या वो आएंगे या नहीं, ये वापिस एक डाउट ही रहेगा। कारण इधर तो फोन करने के बाद भी नहीं आते, तो सेंसर से खाक कोई आने वाला है, सेंसर के अंदर उनको मैसेज जाएगा फुल हो गया। बाद में वो किसी को भेजे तो ठीक है, पर हेल्पफुल तो हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, खाली इंसानों में नहीं प्राणियों में भी IoT है। प्राणों की बात करते हैं, एनिमल्स, यस देयर इज IoT इन एनिमल आल्सो। साउथ अफ्रीका का मेन एनिमल है राइनोस, आर यू क्लियर? एक जमाना ऐसा था दुनिया के अंदर जब राइनो पैदा ज्यादा हो रहे थे, मर नहीं रहे थे। अब उल्टा होने लगा है, राइनो मर बहुत रहे हैं, पैदा ही नहीं हो रहे। अब साउथ अफ्रीका वाले को राइनो को प्रोटेक्ट करना है, तो हर राइनो के गले में एक लॉकेट जैसा कुछ पहना देते हैं, एक सेंसर जैसा कुछ। अब जैसे ही राइनो को अनरेस्ट होता है, उसको ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, राइनो को अनसेफ लगता है, राइनो कुछ ऐसा एक्टिंग करेंगे, आर यू क्लियर? या कोई पास में आएगा ना, जैसे ही वो साइरन जो होगा ना वो एक्टिव हो जाएगा और वो मैसेज भेजेगा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कि राइनो खतरे में। राइनो को जैसे ही अनरेस्ट लगता है, कुछ विचित्र लगता है, राइनो को अनसेफ लगता है, तो उसके रिएक्शन भी अलग होंगे। या कोई पास में आएगा ना, ऑटोमेटिक सेंसर में उसको मैसेज जाएगा और सेंसर डायरेक्ट मैसेज भेजेगा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को, और वाइल्ड लाइफ वाले दौड़े आएंगे। आप गोली मारने जाओ ना राइनो को, उसके पहले वाइल्ड लाइफ आ जाएगा, क्या कर रहा है, आपको कैसे पता चला कि मैं इधर हूं? अरे क्या पता चला, हमारे पास सेंसर है, छोड़। बाद में उसको अंदर जेल में डालेंगे, भारत में तो साला रेप हो जाए, उसके बाद पुलिस आती है और पता नहीं कितना लेट आती है। उधर राइनो को भी टच करके नहीं देख सकते साउथ अफ्रीका में आप, राइनो की जान भी इतनी इंपॉर्टेंट है, इधर तो पता नहीं क्या होते रहता है। कहने का मतलब है इतना देश प्रोग्रेसिव हो सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है, विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन, विदाउट ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन सब काम हो जाएंगे। लगता चमत्कार है हकीकत मित्रों, इसी को हम IoT। एक और एग्जांपल, अरे ऑफिस के इक्विपमेंट्स भी कनेक्टेड है सब एक दूसरे के साथ। कितनी प्रिंटआउट निकली ना, मैनेजर को समझ में आएगा। कुछ बच्चे तो क्या, कितनी RTP के प्रिंटआउट निकलता है, प्रैक्टिस मैनुअल निकालते ऑफिस में। सीए डायरेक्ट बोलेगा, ए प्रिंटआउट निकालने आता है कि काम करने, बोल सॉरी सब गलती होगी। कितनी कॉफी पी ना दिन में, ये भी दिखता है एक ऐप में। अगर आपने बहुत कॉफी पी तो सीए क्या पूछेगा, ये ऑफिस में आपका बॉस, ए भाई कोल्ड कॉफी का ये स्टोर नहीं है, इधर काम करने का है, कम कॉफी पी थोड़ा, आर यू क्लियर? कहने का मतलब है एवरीथिंग इज एनालाइज्ड इन वन सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। मैंने बहुत कुछ एग्जांपल लिया, डेफिनेशन के बाद एग्जांपल को लाइव भी दिखाता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, ये रहा आपके साथ, देखिए क्या लिखा है। IoT इज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग, क्या लिखा है, डिवाइसेस मैकेनिकल एंड डिजिटल, मशीन ऑब्जेक्ट एनिमल पीपल, इन सब चीज में IoT होता है। IoT इज सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग, डिवाइसेस मशीन ऑब्जेक्ट एनिमल पीपल, 5 चीज में है। बोलो IoT इज सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग, बोलो नंबर 1 क्या है, डिवाइसेस मैकेनिकल एंड डिजिटल, मशीन, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ एनिमल पीपल, that are provided with unique identifier, हर एक को कुछ कोड दिया गया है, हर एक को कुछ लॉकेट जैसा पहना है, आर यू क्लियर, या सेंसर है, that are given unique identifier, an ability to transfer data over network, बोलो डेटा आता है कि जाता है। अरे राइनो को लग रहा है अनसेफ है, तो वो जा रहा है वाइल्ड लाइफ के पास,
बाद में वाइल्ड लाइफ अपने वापिस आदमी को भी भेजेगा राइनो को बचाने के लिए, तो आ रहा है कि जा रहा है? दोनों. एबिलिटी टू ट्रांसफर डेटा ओवर नेटवर्क, आ रहा है कि जा रहा है? दोनों. विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन. इंसान इंसान से बात नहीं करेगा, इंसान कंप्यूटर से बात नहीं करेगा, तो भी सब काम हो जाएंगे. इसी को हम आईओटी बोलते हैं. एक और बात, IoT is system of interrelated computing. Devices, machine, object, animal, people. 5 point. Learn करना पड़ेगा compulsory. बोलो किधर किधर IoT है? System of interrelated computing. Devices, machine, object, animal, people. वापिस एक बार. Devices, machine, object, animal, people. They are provided with unique identifier. हर एक को कुछ कोड दिया है, कुछ सेंसर दिया है. Are you clear? Unique. An ability to transfer data over network, अर्थात इंटरनेट. डेटा आता है जाता है दोनों. Without human to human और human to computer interaction. एक और बार बोलेंगे क्या? Please बोलो. IoT. It is system of interrelated computing. Devices, machine, object, animal. People that are provided with a unique identifier, कुछ कोड जैसा. An ability to transfer data over network, internet, without human to human or human to computer interaction. सादा बात नहीं करेंगे, वापस लर्न करेंगे डेफिनेशन को. अब देखिए हम क्या करेंगे. बहुत सारे एग्जाम्पल्स ये रहे आपके सामने लाइव. एग्जाम्पल नंबर वन, सचिन तेंदुलकर आपके स्क्रीन के सामने. ये एक एड करते हैं आईओटी की, ये देखिए. पहले बता रहा था. ओ सचिन के पास भी जेब में कभी कभी पैसे नहीं होते. पहले बताना था. ओ पानी खत्म हो गया, पहले बताना था. पहले बताना था ना. लाइट चली गई. पहले बताना था ना. लिफ्ट प्योर इंडिया का पहला स्मार्ट आरओ. ये पहले ही बताता है, सिर्फ एक टच से पानी की प्योरिटी. बोलो एक टच से पानी की प्योरिटी दिखाते हैं. क्या ये आईओटी है? नहीं. क्यों? अरे ह्यूमन टू इंटरेक्शन हुआ ना, इंसान ने कंप्यूटर से इंटरेक्ट किया. आईओटी नहीं है. विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर. आर यू क्लियर? अब आईओटी आएगा. अगर आपने इसका जवाब हाँ बोला था, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया. और इसका स्मार्ट ऐप समय से पहले करे सर्विस सेंटर को अलर्ट. समय से पहले करे सर्विस सेंटर को अलर्ट, आपको समझ में आ रहा होगा. अरे उसका ऐप ऑटोमेटिक बोलेगा पानी बिगड़ रहा है या टाइम आ चुका है. सर्विस सेंटर से इंसान आएगा और आके आपका आरओ को रिपेयर करेगा और उसके बाद आपके पैसे लेगा. अरे अब्रॉड में तो क्या है पता है, ऑटोमेटिक पैसे भी माइनस हो जाते. भारत में तो क्या है, बैलेंस कभी कभी नहीं होता तो प्रॉब्लम होता है. कम ऑन इंडिया, लिव योर. ओके एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे. वोड़ा एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने. एक और, ये हमारा घर है. इट इज ऑफ ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपीज. आर यू क्लियर? ये घर है यूएस के अंदर. आप देखिए पूरा आईओटी वाला. अब मैं उधर रहता नहीं हूं तो हमने भाड़े पे चढ़ाया हुआ है. ओके इट इज ऑन रेंट. आप देखिए ये मम्मी पापा उधर रहते हैं, मेरे नहीं दूसरे वाले. आर यू क्लियर? भाड़े वाले. अब देखिए इधर जो आईओटी आपको देखने मिलेगा ना, हर चीज में आईओटी होगा. कभी ना देखा, कभी ना सोचा, फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया लाइव आपके सामने. ये रहा प्रस्तुत. ओ आपने ऑब्जर्व किया क्या, जैसे ही वो साइकिल पेमेंट पे आती है, पेमेंट को पारी बोलते हैं, ऑटोमेटिक खुल जाता है. भारत के अंदर तो क्या सिक्योरिटी गार्ड होते हैं. आप जैसे ही आए वो क्या सोचते हैं, अरे अभी तो गए थे, अभी आ गए सर एक सेकंड में. कुछ एक्सरसाइज वेक्सरसाइज की है कि नहीं इन्होंने? अब्रॉड में ऐसा नहीं है, कोई इंसान रुकता नहीं उधर. जैसे ही गाड़ी पेमेंट पे आई, ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा. आप देखिए आप जैसे ही पार्क हुआ, किचन की लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है. उनको पता है अब ये नाश्ता करेंगे. सोचो ना यार क्या काम हो रहा है. एवरीथिंग इज डन ऑन योर ओन विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन. लाइट्स चालू, ओवन प्रीहीट हो गया, सब ऑटोमेटिक है, कोई इंसान इंटरफेयर नहीं कर रहा. ओवन प्रीहीट करना पड़ेगा, कुछ खाना बनाना है.
होगा वो दरवाजे ऑटोमेटिक मैसेज भेजेगा, आर यू क्लियर, कि फ्रिज में ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, डायरेक्टली वो दरवाजा, ये देखिए मुझे यही बोलना था, फ्रिज को लिंक किया उसने। अब दरवाजे के सब एसएमएस आएंगे, ये ज्यादा ये कम, ये ज्यादा ये कम, और कुछ कुछ लोग तो इतने एक्सपर्ट है, डायरेक्ट अगर सब्जी कम होना ग्रोफर्स को ऑर्डर भी चला जाता है, ग्रोफर्स वाला डिलीवर भी कर देगा, समझ में ही नहीं आएगा और सब कम हो जाएंगे। ये देखो अंदर आपको जाना है, आपको ये लॉक करने की जरूरत नहीं है, कारण उसमें 2 मिनट वेस्ट होगी ना, तो क्या लॉक नहीं करना, सर उधर खुले में ना आते, नहीं ऐसा नक्को सोचिए, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, आपको खाली अंदर जाना है, दरवाजा देखो ऑटोमेटिक लॉक होगा, डोर लॉक आया ना। अब देखिए उसको 106 डिग्री पे नहाने का है, जैसे ही उसने बोला ना ऑटोमेटिक शावर चालू हुआ, आप देखिए भारत में तो आपने क्या है, गीजर चालू करो 15 मिनट रुको उसके बाद पानी गर्म होगा, इंसान अरे 15 मिनट में तो रेडी, उधर भी बेटे बेटियां पैदा होते हैं, उनकी बच्ची है देखिए, और तो उस देखा आपने क्या हुआ, जिन्होंने नहीं देखा एक और बार गौर से देखना, ऑटोमेटिक लाइट बंद, वो जैसे ही बाहर गई बंद, आपको करना नहीं है, भारत में तो अगर आप लाइट बंद करना भूल जाओ तो घर पे जो सुनाते हैं, ओ माय गॉड ए नंग तेरा बाप कमा रहा है, अभी भी योर डैड इज अर्निंग, आप बोले तो मैं क्या करूं यार, आईओटी वाला घर ले लूं एक, तो अब्रॉड में ऐसा नहीं होता, अब्रॉड में क्या है ऑटोमेटिक बाहर निकले लाइट बंद, मम्मी रेडी होके आ गई, अब उसने अंडे निकाले, अंडे आउट ऑफ स्टॉक है, ऐसा एसएमएस आया, तो अब ये ओके दबाएगी तो ऑटोमेटिक घर पे आ जाएगा मंगा के, पैसे माइनस हो जाते हैं। उधर भी उठाने का कॉन्सेप्ट सेम है, उठ साले, पर उधर भी बहना से भैया उठते नहीं है, पर उधर की मम्मी स्मार्ट है, वो ऊपर नहीं जाएगी, वो फोन से ही इसको उठाएगी, देखना कैसे बने रही, उसने वॉल्यूम बढ़ा दिया, टन 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 टारा चलती है क्या 9 से 12, अभी उठेगा, ओ रोज रोज उठो स्कूल जाओ, देख के परेशान हो गया ये लड़का, नाया भी नहीं है, ओ पेट्रोल नहीं है, अब उसके वो हस्बैंड को एसएमएस जाएगा इसमें पेट्रोल कम है, ऑटोमेटिक, कारण आप पेट्रोल देखोगे तो गाड़ी कौन चलाएगा, टाइम नहीं उधर लोगों के पास, क्या लिखा है मस्त पढ़िए, द कार नीड्स मोर गैस टू अवॉइड द डिले, लीव इन 3 मिनट्स, 3 मिनट में निकलो, अब भारत में तो क्या फोर्स करते हैं, गरम आलू पराठे खा के जाओ, जूस पी के जाओ, स्पेशल बनाया है, अरे अब्रॉड में ऐसा नहीं होता, इफ यू लूज अ जॉब यू लूज अ जॉब, उधर सब टाइम पे चलता है, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है उधर, जॉब, आपको टाइम पे पहुंचना बहुत 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 जरूरी है, उधर नहीं पहुंचे ना आपकी नौकरी जाएगी, वो पराठा गरम जूस व्यूस सब साइड में रह सकता है, डायरेक्टली हस्बैंड क्या बोलेगा, मुझे निकलना पड़ेगा, आर यू क्लियर, भारत में तो कुछ लोग क्लास में आराम से आते हैं, आईसी बोले क्या था, नाश्ता कर रहा था, अब्रॉड में ऐसा कल्चर ही नहीं, नाश्ता वास्ता करना है सब टाइमली होना चाहिए, देखो ओके दबाया उसको, वो फोर्स भी नहीं कर रहे बच्चे, पापा रुक जाओ ना थोड़ा खा के जाओ, नहीं नहीं उनको पता है नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट है, देखो भारत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट शादी है, ऐसा बोलते हैं लड़की गई तो सब गया, ये इंसान का क्या है कुछ प्रॉब्लमेटिक है सब गया, उधर लड़की बहुत इजीली मिलती है बट नौकरी नहीं मिलती, भारत में नौकरी इजीली मिलती है बट छोकरी नहीं मिलती, अब्रॉड में एग्जैक्ट उल्टा है, छोकरी तो आती ही रहती है, अलग 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 2-3 शादी करना ट्रेंड है उधर आप देखना, पर उधर जॉब चेंज की ना तो गलत नजर से देखते हैं इंसान को, ये बोले लफड़े बात लग रहा है इसने जॉब क्यों बदली, इधर भारत के अंदर अगर आपने शादी बदली ना तो लफड़े की नजर से देखते हो ये डाइवोर्स ही है बहुत बकवास, पर अब्रॉड के अंदर वही अलग कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब हर देश की सोच अलग है, उधर जॉब के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है, आर यू क्लियर, आप कभी जॉब छोड़ नहीं सकते उधर, और इंसान ने जॉब छोड़ी ना दूसरी जॉब में आपको इजीली लेते नहीं, इससे देखो कितना स्ट्रेस, गाड़ी चालू की उसने देखा, अब गाड़ी में से कुछ धुएं निकल रहे हैं, ऑटोमेटिक गैरेज वाले को एसएमएस जाएगा, या भाई जो कंसर्न्ड पर्सन है देख ले भाई क्या प्रॉब्लम, इंसान कुछ नहीं करेगा सब काम मशीन,
और दरवाजा तो खुला रह गया, अब उसको एसएमएस जाएगा दरवाजा खुला है बंद कर, सर ऑटोमेटिक बंद नहीं होता। अरे खुद आप तो एकदम लूट ही रहे हो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ नहीं होता। उसको एसएमएस, भारत में तो क्या है दरवाजा खुला रह गया तो समझ में कब आता है, रात को मम्मी बोलती है दही नहीं जमा तू देखने तो तेरी वजह से। आप बोले मैं क्या दही जमाने के लिए पैदा हुआ था इस दुनिया में, दही का ही काम है मेरा खाली, अब्रॉड में ऐसा नहीं है। देखो डोर इज ओपन, ये बोलेगा जाना पड़ेगा, गया। देखो साहब देखिए आईओटी, अब जो मैं बात कर रहा था घर पे कोई नहीं तो वो सेंसर महसूस करता है, ऑटोमेटिक लाइट्स बंद हो जाएगी, काम तो देखिए यार। ओ माय गॉड, आपने देखा क्या हुआ, जैसे ही वो ऑफिस आया ना ऑफिस की चिप एक्टिवेट हो गई, घर की चिप बंद हो गई, हर जगह की अलग अलग चिप है, इंसान के बॉडी में एक चिप है, घर गए तो घर के काम, ऑफिस गए तो ऑफिस के काम, लगता है ब्रह्म है हकीकत, इसी को आईओटी बोलते हैं। वापिस एक बार, अपने भारत में तो क्या है घर पहुंचे कि ऑफिस से कॉल आते, हेलो ये काम बाकी है ये काम बाकी है, उधर ऐसा नहीं है, घर पे खाली घर ऑफिस में खाली ऑफिस, और भारत में ऑफिस पहुंचे तो बीवी के कॉल आते, हेलो ये लाना ये लाना ये लाना, अरे भाई काम करूं कि चीजें लाऊं। अब देखो इधर ऐसा नहीं होता, जैसे ही वो ऑफिस में एंटर हुआ देखो क्या हुआ, डायरेक्टली पर्दे खुल गए, कंप्यूटर चालू हो गया, बिकॉज ये सब काम मैं करूंगा तो 5-7 मिनट वेस्ट हो जाएगी। अब टाइम का महत्व देखिए ना, देखिए ओ माय गॉड, कॉन्फ्रेंस रूम शिफ्ट हुआ है 2 में, भारत में तो आने के बाद समझ में आता है। स्पीड लिमिट चेक कर रहे हैं, ओ थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाई तो क्या है उधर डायरेक्ट पावती नहीं आती, एसएमएस आता है योर क्रेडिट कार्ड इज डेबिटेड बाय $100। अब बोले क्या हुआ, शॉपिंग किया किसी ने, बाद में ओ स्पीड ज्यादा, शिट यार क्या कर दिया मैंने। भारत के अंदर तो ऐसा कॉन्सेप्ट, सिग्नल की अभी आ रही है वो पावती, बहुत सारी रिसीप्ट आती है सिग्नल की ऑटोमेटिक, बट भारत में आज भी क्या है पुलिस वाले ने अगर रोका ना, जैसे आप स्कूटर चला के जा रहे हो और पुलिस वाले ने थोड़ा आपको रोका, इंसान क्या करता है, पुलिस वाला है उसके पहले यू टर्न मारकर पूरा, और उसके बाद जानबूझ के वापस वही पुलिस वाले के सामने निकलता है और उसको ठेंगा दिखाता है। ले अगर आपने यूएस में ऐसा किया ना ठेंगा ही चला जाएगा, हाथ ही रहता नहीं आपका। देखिए सिक्योरिटी, सन एंड डॉटर आर इन क्लास, उसको एसएमएस आ गया बच्चे पहुंच गए, उधर बच्चों को बार बार कॉल करते ना बच्चे भी गुस्सा हो जाते, मम्मी डोंट कॉल अगेन एंड अगेन, तो क्या है बच्चों के अंदर सेंसर है ऑटोमेटिक पहुंचे ना मम्मी को शांति, हाँ बोले हम काम कर सकती हूँ। ऑर्डर 2 स्मूथीज फॉर रेस्टोरेंट एट 1 PM मीटिंग, 1 बजे की मीटिंग के लिए 2 स्मूथीज यानी थिक शेक जैसा कुछ आता है बराबर, वो मंगा लिया, कारण उधर जाके ऑर्डर करेंगे तो 15 मिनट लगेगी बनाने में, उतना टाइम किसके पास है, टाइम का बहुत ऐसा है। ये थोड़ी स्टोरी स्किप कर दें, कुछ खास नहीं है, रिपेयर वाला आया है, तो अब रिपेयर वाला आएगा ना तो अपने इधर तो चाबी नहीं होती तो बाजू वाले के पास जाते, मंजू बहन बोलती ये तो ऐसे ही हर बार चाबी भूल जाते, समझ में नहीं आ रहा क्या करने का, उधर ऐसी छोरी हरकत है ही नहीं, डायरेक्टली क्या होगा पता है, रिपेयर वाला आया ना तो वो दिखाएगा अपना स्कैनर, उसके बाद मालिक को एसएमएस जाएगा क्या आप जानते हो इसको, उसका फोटो दिखेगा क्या आप पहचानते हो, मालिक बोले हाँ, ऑटोमेटिक घर का एक्सेस मिलेगा, सर उसने घर में कुछ चोरी कर ली तो, अरे ऐसा नहीं होता, उसको कार्ड मिल जाएगा रेड कार्ड, वो जीवन भर काम नहीं कर सकता, घर की चोरी किया वो घर को गंदा भी नहीं कर सकता, अगर घर में जो चीजें पड़ी हो वैसे ही होनी चाहिए, अगर आपका घर क्लीन है वो उतना ही क्लीन करके जाएगा, बाकी उसको रिव्यू खराब मिलेंगे, और रिव्यू खराब मिलेंगे तो उसको जीवन में कभी काम ही नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज डिफरेंट गाइस, कम ऑन। देखिए अब वो कुछ करेगा, वो राइस आउट ऑफ स्टॉक है, डिनर के अंदर कुछ बनाना है तो एसएमएस जाएगा। अभी वो मीटिंग के लिए आ गई मम्मी, देखिए राइस एंड एग आर आउट ऑफ स्टॉक, तो स्नूज दबाएगी, अभी बोले मीटिंग के लिए आई हो अभी डिस्टर्ब ना करो।
उसका बेटा आ गया फुटबॉल खेल रहा है। अब उसका बेटा कितने गोल मारता है, कितनी स्पीड से मारता है, कितनी एक्यूरेसी है, ये सब पापा को एसएमएस जाता है, आज बच्चे ने ऐसा खेला, सोचो क्या लेवल है। वो लॉन स्प्रिंकलर ना गार्डनिंग करने वाले को एसएमएस जाएगा, अभी बताओ मेरा बच्चा खेल रहा है। भारत में तो गार्डनिंग वाला आया तो बच्चों को हटा देते हैं, हटो सब, गार्डनिंग का टाइम है। ये इसकी बेटी थोड़ी घटेलू लग रही है पेड़ पौधे के साथ, देखो टमाटर का ले। ओ दादा दादी आए, उधर भी जिंदा ही है दादा दादी। अब जैसे ही दादा दादी आए उधर क्या है, ऐसा नहीं कि पैर छू हुई, उधर रिस्पेक्ट है, तो कभी कभी तो ना बोल देते आओ ही मत, बोले हमारे बीच में टेंशन चल रहा है, आप क्या करोगे आगे। अपने भारत में तो क्या दादाजी आए सब पैर छू लेते एकदम, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, उधर सबको ऑटोमेटिक वीडियो कॉल जाएगा, जिसको आना होगा वो आएगा, बाकी नहीं आएगा। देखो सबको वीडियो कॉल चला गया, पप्पा और बेटे को आने का है क्या, ये तो खुश हो जाएगी लड़की, घरेलू है ना। देखिए देखिए उधर भी साथ में ही खाना खाते रात को, देखिए सब लड़का दूर से सलमान खान निकलो, बोले अभी रोज रोज क्यों आ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा एक तो थोड़ा अलग ही चल लड़का। ओ दिन खत्म हो गया सब, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, ओ माय गॉड, बड़ा कॉन्सेप्ट, अद्भुत, समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखेंगे आखिरी वाला, एनिमल्स में भी, अरे राइनो को अनरेस्ट होगा ना ऑटोमेटिक एसएमएस जाएगा वाइल्ड लाइफ को, और वाइल्ड लाइफ वाले एक सेकंड में राइनो को बचाएंगे। लगता चमत्कार है हकीकत आईओटी का। एक और लाइव एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा प्रस्त। We got to a point where gradually we started saying to ourselves, you can't have them, you won't have them, we're going to stop you, and now we're going to try and make sure you can't have them anywhere in Southern Africa. South Africa ki kahani hai ye. Rhinos jo unka main animal hai. वेलको वर्डन गेम रिजर्व। अफ्रीकन राइनोस को बचाने की ये जंग, 3 राइनोस रोज मरते हैं। यही एक्सटेंट से बढ़ते रहे तो मरण ज्यादा हो जाएगा और पैदा कम होंगे। The rhino has become one of the key species that is becoming endangered due to poaching throughout Africa, but now especially in South Africa. Up until now, poachers have been increasing in numbers and they've become more militarized with weapons. And so, of course, we've had to do the same. This is not sustainable. The only way to do this better is to bring in technology and things that they do not have. So the first thing people wonder is, why are you coloring animals that aren't rhino? ये देखो गले में कुत्ता फिटिंग कर रहे हैं, अगर जैसे ही कोई मारने आएगा राइनो को अनरेस्ट होगा, इनको पता पहले चलेगा। आईओटी तो देखिए। Life protection program aims to protect rhino populations by using mega herbivores as a sentinel to detect poaching activity and within a reserve. Your poacher enters an area, it's more likely to come across an impala than a rhino. And so these animals will then behave differently. And as soon as there's a change in their behavior, we'll be able to detect where exactly a poacher is. अगर change in behavior हुआ, इनको समझ में आ जाएगा कि rhino को कुछ unrest हो रहा है, कुछ behavior में बदलाव आ रहा है, वो अगर शायद किससे बच रहे और ये लोग उधर पहुंचेंगे और criminal पहुंचे या मारने वाला, उसके पहले ये उधर पहुंच जाए। When he entered and where he's intending on going. So these sentinel animals have collars with a sensor on them. The sensor transmits information across a LoRa network, which is a low power wide area network.
what we're looking at is the sensical. IBM के साथ इन्होंने टाई अप किया है, सोचो ना किस लेवल तक जा रहे हैं, खाली राइनो जैसे एनिमल के लिए. मुझे कभी कभी होता है भारत में क्या हो रहा है. Collecting the data on the animal, that gets backed to the 3G network onto the IBM IoT platform. That data is then analyzed in real time for the specific patterns we're looking for. Well, because the project works with IBM, MTN, as well as Wageningen University, each person has a different way of accessing this information depending on the use of that information. So I find it useful to know where the animals are so I can plan my experiments. And all of that can be referred to as the latest evolution in the use of technology called the Internet of Things. We immediately saw IoT ke karan sambhav ho raha hai jo hum padh rahe hain. The potential between that application and our very strong an industry, whether it's a conservation issue. Most people have been reactive. This project being proactive. सब लोग गलती होने के बाद समझते हैं हम रिएक्टिव नहीं है, बोले राइनो के लिए प्रोएक्टिव है. साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, वी आर प्राउड ऑफ. Allows us to catch the poachers well in advance before they even get close to rhino, hopefully saving animals' lives and our staff in the process. I don't think that us as humans have the right to destroy, but rather the responsibility to preserve. इंसान बने हो तो इतने बड़े प्राणी मत बन जाओ कि साला प्राणी को ही मार दो. आपको हक है प्राणी को बचाने का और उनको कुछ हार्म नहीं करने का. कुछ लोग कितना एनिमल लवर होते हैं साहब. IBM के साथ वंडरफुल प्रोजेक्ट बाय साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. इसी के साथ आई थिंक हमने बहुत एग्जांपल लाइव लिए, आपको समझ में आया होगा. ये देखिए आईओटी एक और बार डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट इज क्लियर 100% क्लियर. बोलो इट इज सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस मशीन ऑब्जेक्ट एनिमल पीपल. पांच चीजों में आईओटी है. बोलो नंबर वन डिवाइसेस मशीन ऑब्जेक्ट एनिमल पीपल. इट इज सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस मशीन ऑब्जेक्ट एनिमल पीपल दैट आर गिवन यूनिक आइडेंटिफायर्स. हर एक को कुछ कोड दिया है, सेंसर दिया है, एन एबिलिटी टू ट्रांसफर डेटा ओवर नेटवर्क. आता है कि जाता है दोनों विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन. आई होप यू आर क्लियर. मस्ट लर्न करेंगे एक और बार. इट इज सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस मशीन ऑब्जेक्ट एनिमल पीपल दैट आर गिवन यूनिक आइडेंटिफायर एंड एबिलिटी टू ट्रांसफर डेटा ओवर नेटवर्क विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन. देखो पांच चीजों में इट इज सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग. बोलेंगे एक साथ मेरे साथ डिवाइसेस मशीन ऑब्जेक्ट एनिमल पीपल दैट आर गिवन यूनिक आइडेंटिफायर एन एबिलिटी टू ट्रांसफर डेटा ओवर नेटवर्क विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन. आई होप आपको लर्न हो गया होगा. पक्का एक बार लर्न करिए. ब्रेक होता है अब 25 सेकंड का ब्रेक शुरू हो रहा है अब. प्लीज ट्राई टू लर्न. ओके आई होप लर्न हो गया होगा. एक और बार इट इज सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस मशीन ऑब्जेक्ट एनिमल पीपल. बोलो किधर किधर है डिवाइसेस मशीन ऑब्जेक्ट एनिमल पीपल दैट आर गिवन यूनिक आइडेंटिफायर. हर एक को कुछ कोड दिया है, सेंसर दिया है, एन एबिलिटी टू ट्रांसफर डेटा. आता है कि जाता है दोनों. एबिलिटी टू ट्रांसफर डेटा ओवर नेटवर्क विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन. आई होप क्लियर है. प्लीज खुद से लिखिए, अटके तो देख के लिखिए. उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्न बहुत सारे. समय शुरू होता है अब. प्लीज राइट डेफिनेशन लिखिए.
आई होप यू आर डन. ओके आखिरी बार बोलेंगे, इट इज सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस मशीन ऑब्जेक्ट एनिमल पीपल दैट आर गिवन यूनिक आइडेंटिफायर, दैट आर प्रोवाइडेड विद यूनिक आइडेंटिफायर, कुछ लॉकेट जैसा, कुछ सेंसर एंड एबिलिटी टू ट्रांसफर डेटा ओवर नेटवर्क, आएगा जाएगा दोनों विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन, सब काम हो जाएंगे. लगता चमत्कार है हकीकत, इसी को आईओटी बोलते हैं. अब सबसे पहला सवाल क्या है, किधर किधर यूज होता है ये, आपकी बुक पे आ जाइए, ये रहा प्रश्न आपके साथ लाइव. क्वेश्चन नंबर 23, वेरी नाइस क्वेश्चन, एक्सप्लेन आईओटी एंड इट्स एप्लीकेशन. आईओटी और किधर अप्लाई होता है, हाइलाइटर मारिए, प्लीज हाईलाइट अंडरलाइन द क्वेश्चन. अब डेफिनेशन तो हो गई हमारी, यस सर हो गई है. किधर किधर यूज होता है, नंबर वन, All home appliances shall be connected and shall create virtual home. सब घर के डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और सब काम हो जाएंगे. देखा ना हमने घर हमारा ऑस्ट्रेलिया में, वही पर जो क्या लिखा, होम ओनर कैन कीप ट्रैक ऑफ ऑल एक्टिविटीज थ्रू देयर हैंड हेल्ड डिवाइस. आपको फोन के अंदर घर के सब काम ऑटोमेटिक दिखेंगे, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, टेलीविजन, रेडियो, राइट, हर चीज आईओटी में कनेक्टेड होगी एक ऐप से. होम सिक्योरिटी सीसीटीवी इज ऑल्सो मॉनिटर्ड थ्रू हैंड हेल्ड डिवाइस. हाथ में जो डिवाइस में सीसीटीवी भी दिखता है, ठीक है, इजी है, वर्चुअल होम बन जाएगा इंसान. सेकेंड, ऑफिस मशीन शैल बी कनेक्टेड टू नेट. ऑफिस में क्या क्या काम हो रहे हैं, कितनी प्रिंटआउट निकली, कितने कप कॉफी के गए, कितना काम हुआ, एक डिवाइस में दिखेगा. एचआर मैनेजर शैल बी एबल टू सी हाउ मेनी कप ऑफ कॉफी फ्रॉम वेंडिंग मशीन आर देयर एंड हाउ मेनी आर प्रेजेंट. कितनी ऑलरेडी पी ली लोगों ने और कितनी कॉफी बाकी है. हाउ मेनी प्रिंटआउट्स आर जनरेटेड थ्रू क्या लिखा है, ऑफिस प्रिंटर, कितने प्रिंटआउट. थर्ड, मोदी साहब भी इसका उपयोग कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं, स्वच्छ अभियान में क्यों नहीं करते ये, हर डस्टबिन को सेंसर के साथ टैग करो, जैसे ही फुल होगा क्लीनिंग सुपरवाइजर को SMS जाएगा, लोगों को भेजो, भेजे ना भेजे अलग सवाल है, इधर तो सारा फोन करे तो भी नहीं आता, तो साहब क्या सेंसर से आएंगे, सवाल मोदी साहब आपसे है. अंडर स्वच्छ मिशन गवर्नमेंट कैन टैग ऑल डस्टबिन विथ IoT सेंसर, दे कैन जनरेट अ मैसेज वंस दे आर फुल, बीइंग कनेक्टेड टू Wi-Fi बराबर, दे कैन इंटीमेट द सुपरवाइजर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ताकि वो डस्टबिन खाली हो सके. एज अ रिसर्च लास्ट, हर एक की बॉडी में एक चिप है, आप घर आओ तो घर वाले चिप, ऑफिस जाओ तो ऑफिस वाले, देखा था ना उसमें, ऑफिस में जाते ही कंप्यूटर चालू, पर्दे ऑटोमेटिक वो खुल गए थे, सब ऑटोमेटिक हो रहा था, किसी इंसान ने नहीं किया था. इंडिविजुअल्स हैव गॉट देमसेल्व्स इम्प्लांटेड विद इलेक्ट्रॉनिक चिप इन देयर बॉडीज, द चिप अलाउज देम टू डू होम और ऑफिस Wi-Fi, वंस कनेक्टेड पर्सन कैन एंटर होम और ऑफिस एंड परफॉर्म डेजिग्नेटेड फंक्शन. बराबर, आप घर में गए तो घर के काम होंगे, ऑफिस गए तो ऑफिस के होंगे. दिस चिप बिकम्स इंडिविजुअल्स ऑथेंटिकेशन टोकन, ये चिप की आपका टोकन बन जाएगी. ये लगता भ्रम है हकीकत, इसी को IoT बोलते हैं. घर गए तो घर की चिप, ऑफिस गए तो ऑफिस की चिप. आर यू क्लियर? चार जगह पे IoT अप्लाई होता है, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने. सर IoT किधर किधर अप्लाई होता है, चार जगह पे, होम ऑफिस व चिप, होम ऑफिस व चिप, होम ऑफिस व चिप, होम डिवाइसेस, ऑफिस एक्टिविटीज, स्वच्छ मिशन, इलेक्ट्रॉनिक चिप, होम ऑफिस व चिप, होम ऑफिस व चिप, होम ऑफिस व चिप, होम डिवाइसेस, ऑफिस एक्टिविटीज, स्वच्छ मिशन, इलेक्ट्रॉनिक चिप. अब की बार एक और बार, होम डिवाइसेस, ऑफिस एक्टिविटीज, ओके, स्वच्छ मिशन, इलेक्ट्रॉनिक चिप. लर्न करेंगे, 30 सेकंड्स का समय शुरू होता है अब, प्लीज लर्न कीजिए, उसके बाद हम लिखेंगे. प्लीज लर्न. ओके, बोलेंगे, बोलो कितनी जगह पे IoT अप्लाई होता है, चार, होम डिवाइसेस, ऑफिस एक्टिविटीज, स्वच्छ मिशन, इलेक्ट्रॉनिक चिप, हर एक की बॉडी में एक चिप है,
घर गए तो घर वाले चीफ, ऑफिस गए तो ऑफिस वाले। एक और बात, होम डिवाइसेस, ऑफिस एक्टिविटीज, स्वच्छ मिशन, इलेक्ट्रॉनिक चिप। समय शुरू होता है अब, प्लीज लिखिए बिना देखे। डोंट सी, क्वेश्चन देख सकते हैं नीचे का नहीं, खुद से प्लीज। ओके हो गया, यस सो। व्हाट आर द रिस्क ऑफ आईओटी? साहब कोई भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, अब होंगे रिस्क क्या क्या है। आईओटी इज अ इवॉल्विंग फिनोमेनन। ए क्वेश्चन को हाईलाइटर मारिए प्लीज, अंडरलाइन द क्वेश्चन। आईओटी इज अ इवॉल्विंग फिनोमेनन, नया नया है। रिस्क लिस्टेड आर दोज विच आर मोस्ट डिस्कस फॉर आईओटी टूडे। एक्स टेक्नोलॉजी इश्यूज क्रॉप अप, रिस्क ड्यू टू आईओटी हैज वेरियस फैसेट्स टू इट। बहुत सारे पहलू है इन रिस्क के। नंबर वन रिस्क क्या है? रिस्क टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, बनाने वाले कोई रिस्क है? क्यों पढ़ते हैं? मैन्युफैक्चरर में बिकम आउट ऑफ बिजनेस इन फ्यू इयर्स इफ आईओटी बिकम्स अननेसेसरी प्रोडक्ट फीचर। मैन्युफैक्चरर आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा कुछ ही साल में अगर आईओटी कंपल्सरी हो गया। क्यों? अरे उसको बार बार नई चीज बनानी पड़ेगी ना, आईओटी में तो नई नई चीजें आती ही रहेगी। बार बार अगर मैन्युफैक्चरर नई 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 चीज बनाएगा तो पुराना स्टॉक किधर जाएगा? आप सोचो ना, वो बोलेगा सर ये बिजनेस करने में तो कितना रिस्क है, पुराना माल बिकता नहीं है, नए नए वर्जन आते रहते हैं, उससे अच्छा तो बिजनेस ना करना अच्छा है। आर यू क्लियर? ही माइट बिकम आउट ऑफ बिजनेस, उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं, बराबर ना? बिकॉज ही हैज टू अपडेट बोलो वन टाइम की अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। और बार बार अगर नई चीजें आती रहेगी तो पुराना स्टॉक कौन लेगा? इतने चेंजेस किसी को पसंद नहीं है। हर एक बिजनेसमैन को एक स्टेबल बिजनेस चाहिए। देखो क्या लिखा, ही माइट बिकम आउट ऑफ बिजनेस इफ आईओटी बिकम्स नेसेसरी। देखो बिकॉज ही माइट नीड टू अपडेट हिमसेल्फ, बिकॉज ही माइट नीड टू, क्या लिखेंगे? कम ऑन, अपडेट हिमसेल्फ, जो डिफिकल्ट है, बराबर ना? दूसरा एग्जाम्पल लू क्या? जी सर लीजिए ना एग्जाम्पल। ये सिलेबस सेम है तो मैं बार बार पढ़ा सकता हूं। सोचो रोज सिलेबस बदले तो, अरे मुझे खुद पढ़ना पड़ता है उसके बाद पढ़ाऊंगा। डेली सिलेबस बदलेगा हर अटेम्प्ट में तो मैं परेशान हो जाऊंगा। सर दो तीन महीने मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा कब? आर यू क्लियर? सिलेबस सेम है तो क्या एक ही स्पीच बजाते रहो बार बार? पर अगर बार बार बदले तो रिस्की हो जाएगा बिजनेस। आर यू क्लियर? सेम इधर है। अगर वो बार बार नई चीजें बनाएंगे तो पुराना स्टॉक कौन लेगा? सेकंड, डेटा स्टोरेज एंड एनालिटिक्स। मैन्युफैक्चरर विल हैव टू एंश्योर ह्यूज डेटा जनरेटेड फ्रॉम आईओटी इज केप्ट सिक्योर। हैकिंग और लूजिंग द डेटा मे बी डिस्ट्रैक्टर फॉर एंटिटी एज वेल एज द इंडिविजुअल टू होम इट रिलेट्स टू। मैन्युफैक्चरर को एंश्योर करना होगा हर एक डेटा सिक्योर्ड है, वो डेटा लीक ना हो, वो डेटा हैक ना हो। अगर हैक होगा ना उसको सजा होगी। अरे कितने स्ट्रॉन्ग कानून है, डेटा इंपोर्टेंट। आपने कस्टमर का डेटा लिया है ना, इंश्योरेंस कंपनी को प्रोटेक्ट करना है कस्टमर का डेटा, बैंक को प्रोटेक्ट करना है, स्टॉक एक्सचेंज को प्रोटेक्ट करना है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो पूरी एक्ट है हिप्पा। फुल फॉर्म, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट यूएस में। अरे आप लीक नहीं कर सकते, कस्टमर का डेटा भरोसे से आया है, आपको यह डेटा सिक्योर्ड करना आपकी संपूर्ण जवाबदारी है। आप डेटा को हैक नहीं कर सकते, लूज नहीं कर सकते, किसी को पास नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर कस्टमर का डेटा हैक हो गया ना, इसका लाइसेंस भी जा सकता है। आर यू क्लियर? आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट से आपने डेटा लिया, बट ध्यान रखो इस डेटा को आपको सिक्योर रखना है। शॉर्ट में इतना ही, और कुछ नहीं, बराबर? ओके, तो नंबर वन, मैन्युफैक्चरर को दो रिस्क है। नंबर वन, ही माइट बिकम आउट ऑफ बिजनेस एंड ही हैज टू कीप द डेटा सिक्योर। He might become out of business. He has to keep the data secure. Risk to user? User कोई? मुझे ही, हमको हमी से चुरा लो, मुझे ही रिस्क है। सिक्योरिटी, दिस इज द ग्रेटेस्ट रिस्क ड्यू टू IoT. प्लीज अनलाइन कीजिए।
एमसीक्यू आ सकता है, विच इज द ग्रेटेस्ट रिस्क ड्यू टू आईओटी? आप बोलेंगे आई डोंट नो, अनलाइन करो, इसलिए तो बोल रहा हूँ सिक्योरिटी। एज होम और ऑफिस डिवाइस आर कनेक्टेड टू नेटवर्क, दे आर हिट बाय नेटवर्क रिलेटेड रिस्क इंक्लूडिंग हैकिंग, वायरस, स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा। सब डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, तो इंटरनेट के जो जो रिस्क है, हैकिंग, बहुत वायरस आ सकते हैं, डेटा जा सकता है, ये आपको भी एप्लीकेबल होंगे। इंटरनेट की दुनिया लग रहा है उतना सिंपल नहीं है। अब सोचो ना, अगर आपका डिवाइस हैक हो गया और बाहर से कोई कंट्रोल कर रहा है, बराबर आपका ऐप लग जाएगी रात को, वो कुछ भी करेगा, थोड़ी देर वॉशिंग मशीन चालू करेगा घण घण घण, और थोड़ी देर टीवी चालू करेगा थंगबली, डराएगा वापिस घण 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 थंगबली, वो लड़की परेशान हो जाएगी, देखा था ना आपने छोटी वाली, बोलेगी पप्पा अपना पुराना घर ही अच्छा था सादा वाला, ये क्या हो रहा है इसमें तो आवाज घण घण थंगबली, आपको लगेगा ओ माय गॉड ये हो क्या रहा है, भूत आ चुका है। नहीं, आईओटी का रिस्क है, आर यू क्लियर? सब इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इंटरनेट के सब रिस्क भी अप्लाई होंगे, आर यू क्लियर? तो ये रिस्क है। सेकंड, प्राइवेसी, ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। आपकी जिंदगी आपकी नहीं मित्रों, पराई हो जाएगी, सामने वाले को सब पता होगा, डिवाइस वाले को, आप कितने बजे उठते, क्या करते, क्या दिनचर्या है, क्या रूटीन है, और क्या पता वो उसको कभी ना कभी मिसयूज कर सकता है। देखिए, दिस इज द ह्यूज रिस्क दैट इंडिविजुअल में लूज कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल लाइफ, देयर पर्सनल लाइफ कैन बी हैक्ड एंड मेड पब्लिक, वो उसको सब पता है डिवाइस को, आप क्या करते क्या नहीं करते। सोचो कोई नेता है, वो कितना करप्शन लेता है, कितने लोगों से मिलता है, कितने प्रोजेक्ट ऐसे ही सैंक्शन किए, क्या क्या घूसखोरी की है, अगर सब सिस्टम को पता चल गया ना, क्या पता कभी बाहर आ गया तो लग गई, ये जो दिख रहा है वो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए लोग बोलते हैं कम शेयर करो। चलो दो एग्जांपल लेता हूं, एक लड़का था गूगल टॉक पे अपनी गर्लफ्रेंड से लिख रहा था 25 लाख की लॉटरी लगी, गर्लफ्रेंड एकदम खुश हो गई, बोले किसको? बोले मेरे पप्पा को 25 लाख। अब गर्लफ्रेंड बोल रही है तो पप्पा किधर है? बोले वो नागपुर गए पप्पा, मैं तू आ जा घर पे, नागपुर की कहानी है, और नागपुर गए, कहानी कहीं और की, आई डोंट नो व्हिच इज, आई थिंक इन हैदराबाद ऐसा कुछ था, कोई इंसिडेंट आज तक पे देखा जाए। अब क्या हुआ उसके बाद, ये कहानी तो उधर की थी, और आगे कंटिन्यू हुआ, वो चैटिंग करते गया करते गया करते गया, बोले तू आ आ आ, वो लड़की जवाब ही नहीं दे रही बराबर, दो बार बोला, तीन बार, चार बार, पर कोई ना कोई जरूर देख रहा है आप क्या बोल रहे हो, कब बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। ये मैं बताना चाहता हूँ, हैकर देख रहे थे, गूगल टॉक की बात है, जब जी टॉक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर हुआ करता था फेसबुक के भी पहले, और हैकर ने देख लिया, हैकर ने लोकेशन ट्रेस किया, पहुंच गए वो जगह पे हैदराबाद में, बोले बोल किधर है 25 लाख? मैं तो ऐसे ही बोल, मैं तो मुझे क्या, मारुति वैन में उठा के ले गए उसको, रियल लाइफ स्टोरी, आप शॉक हो जाओगे। और जैसे ही उठाया उसको डायरेक्ट कूदने लगे, बोल किधर है? मैं तो ऐसे ही बोल। वो जवाब ही नहीं दे रहा था। कुछ लोग इतने शंकी होते हैं, एट वन मोमेंट दे कैन डू एनीथिंग, अंदर से वो कैसे भी हो, उस मोमेंट पे उसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता, इसने गोली मार दी, इंसान मर गया। सोचो ये सब दो दो चैनल में आया था, ये कोई मजाक नहीं, आपकी जिंदगी आपकी नहीं पढ़ाई हो जाएगी, आपको लग रहा है आप चैटिंग कर रहे कोई देख नहीं रहा, क्या पता कोई इसको कैसे मिसयूज करे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर का आता है, डॉक्टर पिज्जा फ्रॉड। एक डॉक्टर था, उसकी वाइफ मायके जा रही थी, उसने बहुत बड़ा ट्वीट लिखा, या ट्वीट या फेसबुक या सब कुछ लिखा, टुडे माय वाइफ इज आउट ऑफ टाइम, ओनली 4 सर्जरीज लाइंड अप फॉर द डे, एंड देन वी विल हैव ग्रेट फन विद फ्रेंड्स, वी विल एंजॉय अ लॉट, फुल नाइट। ऐसा कोई ना कोई जरूर देख रहा है आप क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। जैसे ही उसकी वाइफ बाहर गई, ये ट्वीट देख लिया, ये फेसबुक का पोस्ट देख लिया, हैकर पहुंच गए घर पे, डॉक्टर के घर पे तो 2 नंबर का बहुत पैसा होता है, ताला तोड़ा, सब चीजें लेके भागी, अरे फर्नीचर तक नहीं छोड़ा, टीवी तक नहीं छोड़ा, कोई नहीं स्पीकर तक नहीं छोड़ा, पूरा घर नेकेड फ्लैट हो गया, एकदम नया फ्लैट लेके भाग गए। और लेके भागने से पहले डॉक्टर के ही पैसे से पिज्जा मंगाए हुए डोमिनोज के, इसलिए इसको पिज्जा फ्रॉड बोलते हैं। आपको लगेगा ये सब ऐसा, अरे ये रियल लाइफ स्टोरी है। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर पहुंचा रात को, फ्रेंड्स के साथ दारू बारू की बाल्टी लेके एकदम फॉर्म में, बोले आज तो जबरदस्त एंजॉय करेंगे। जैसे ही घर खोला, पूरा नया घर, अरे एक चीज नहीं, फर्नीचर नहीं। डॉक्टर बोले दूसरे फ्लैट पे आए, बोले 502 ही चे। तो उसके बाद समझ में आया, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका था, कोई ना कोई जरूर देख रहा है आप क्या ट्वीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्या लिख रहे हैं, फेसबुक पे क्या लिख रहे हैं। 10 बार सोच के लिखे आपकी जिंदगी आपकी नहीं पराई हो जाएगी। सर आप बोले मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, अरे ढोक लो, उसके लिए पैसे भी होने चाहिए ना, आपको लेके भी क्या करेंगे वो।
आप एक काम करो, एक बार आपको ऐसा करना है ना कुछ, तो आप एक बार इंस्टाग्राम पे थोड़ा लिखो टुडे माई डैड गिफ्टेड मी जगुआर, दूसरे दिन वापस लिखो माई चाचू इज गोइंग टू गिफ्ट मी BMW, ओके। उसके बाद एक और लिखो माई अंकल इज गोइंग टू गिफ्ट मी पोर्श। चौथे दिन क्या होगा पता है, आप जिस क्लास से भी क्लास कर रहे हो ना, लगेज उधर आ जाएंगे और आपको उठा के ले जाएंगे। उस दिन पांचवें दिन बाद में हम आपका एग्जाम्पल इस क्लास में लेंगे कि ये लड़का देखो ऐसा था। तो समझ में आ रहा है आपको, खुद लोग तो हर चीज लिखते हैं इंस्टा पे, मेरा ये हुआ ये हुआ। अरे भाई बस कंट्रोल, क्या पता कौन कैसे मिस यूज करे। तो IoT का रिस्क क्या है, जिंदगी मेरी नहीं पराई हो जाएगी। देखो क्या लिखा, देयर इज अ ह्यूज रिस्क इंडिविजुअल में लूज कंट्रोल ओवर पर्सनल लाइफ, देयर पर्सनल लाइफ कैन बी हैक्ड एंड मेड पब्लिक। बराबर, एक दो एग्जांपल, डॉक्टर पिज्जा फ्रॉड। नेक्स्ट क्या दिया है, इंटेंशनल ऑब्सोलेसेंस ऑफ डिवाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्सोलेसेंस, आउटडेटेड। दिस मे हैपन ड्यू टू कंपनीज विच वॉन्ट टू ब्रिंग इन न्यू प्रोडक्ट, बराबर नया प्रोडक्ट लाना है, मे फोर्स द यूजर टू डंप द ओल्ड प्रोडक्ट। कैसे, दे कैन डू बाय डिसेबलिंग द OS ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट। मतलब कोई भी कंपनी को अपना नया प्रोडक्ट लाना है ना, वो क्या करेगा, पुराने का OS डीएक्टिवेट कर देगा, बोलेगा कि नया प्रोडक्ट उसको कॉम्पिटिबल नहीं करेगा। बराबर, अब क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट समझना ध्यान से। पुराने का OS बंद करने के बाद क्या होगा, अब वो पुराना प्रोडक्ट IoT में नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे। एज्यूम करो वॉशिंग मशीन को उसने आउटडेट कर दिया, अब बाकी सब एक साथ चलेगा, वॉशिंग मशीन नहीं चलेगा। अब बोले सर कोई बात नहीं, वॉशिंग मशीन को मैन्युअली चला लेंगे। तब ऐसा नहीं हो सकता, आप इतना डिपेंडेंट हो जाते हो ना इन चीजों पे कि सब कुछ एक साथ चलाने की आदत सी हो गई है मुझे, अब आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। एक चीज भी ना चले ना आपको बेचैनी होती है, इसलिए आप कितने भी पैसे देके वापस नया वॉशिंग मशीन खरीदोगे। यानी आपकी जिंदगी को वो कंट्रोल करेंगे, उनको जब जब नया प्रोडक्ट लाना है ना, वो क्या करेंगे, पुराने वाले को आउटडेट कर देंगे। अब वो पुराने वाला सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो आपको नया ही खरीदना पड़ेगा। एप्पल का एग्जांपल ले लो ना, एप्पल जैसे ही नए फोन लाता है ना, Apple 8, Apple 10, Apple X, आर यू क्लियर, वो पुराने वाले को इतना खोखला कर देता है, उसमें चार्जिंग ही नहीं रखता। उस पर नया सॉफ्टवेयर इतना हैवी होता है कि आपको बार बार पुराना चार्जिंग भी लगाना पड़ता है। उसके बाद आप क्या सोचते, जाने दे नया ही ले लेते हैं। आर यू क्लियर, यही स्ट्रेटेजी ये लोग भी करते हैं। अब सब डिवाइस एक साथ, अब सर एक आध डिवाइस ना चले तो मैन्युअली चला लोगे। एक बार आपको आदत लग गई ना, उसके बाद इंसान कितने भी पैसे दे सकता है वो आदत के लिए। एग्जाम्पल लेता हूं, कुछ लोग एप्पल का हर चीज लेते हैं, वॉच एप्पल का, आईपैड एप्पल का, मैकबुक एप्पल का, फोन एप्पल का, टीवी भी एप्पल का, एप्पल टीवी आता है। अब उनको इतना डिपेंडेंसी, आप और कुछ दो ना, वो अच्छा है तो भी यूज नहीं करते, एप्पल ही करेंगे। सेम इधर है, ये लोग आपके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, कोई भी डिवाइस को क्या कर देंगे, आउटडेटेड, उसका OS चेंज करके OS को इनवैलिड कर देंगे। तो अब बाकी सब उसमें चलेगा बट उसका OS नहीं चलेगा, इसलिए आपको नया खरीदना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपकी जिंदगी को वो कंट्रोल करेंगे। अब पढ़ो समझ में आएगी। दिस मे हैपन ड्यू टू कंपनीज विच वॉन्ट टू ब्रिंग, क्या लिखा, न्यू प्रोडक्ट, मे फोर्स द यूजर टू डंप ओल्ड प्रोडक्ट, दे कैन डू बाय डिसेबलिंग द OS ऑफ ओल्ड। अब बाकी सब चलेगा, वो एक नहीं चलेगा, एक नहीं चलेगा तो उसके लिए आप नया लोगे। इन शॉर्ट जब जब उनको खुद आपसे नया ऐसा लेने की कोशिश करनी है ना कि आपको नया खुद दे, तब तक वो मस्ती कर सकते हैं। बराबर, नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी रिस्क, अच्छी तरह समझना। क्या लिखा है, प्लेटफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, डिफरेंट OS, अलग अलग OS को अलग अलग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। एंड लैक ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स आर सिचुएशन where variety of IoT devices in terms of hardware variation and differences in software running on them makes the task of developing application tough. मतलब देखो, अलग अलग OS, हर डिवाइस का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेम है कि अलग अलग, अलग अलग, हार्डवेयर अलग, सॉफ्टवेयर अलग, हार्डवेयर अलग। ऐसा ऐप बनाना जो सब डिवाइस को एक साथ लाए, रिस्की है। ये लोग बना तो रहे हैं ऐसा ऐप जो सब डिवाइस को कंट्रोल कर पाए, बट थोड़ा रिस्की है। और हमें यही तो पढ़ना है रिस्क, आर यू क्लियर, क्यों सर रिस्की है, उसमें क्या है। अरे यार, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग, इतना सोचो, दो लोग
अलग अलग खानदान, अलग अलग सोच, अलग अलग परवरिश, अलग अलग विचार, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग अपब्रिंगिंग, अलग अलग एजुकेशन, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग सोच, अलग अलग हॉबीज के बावजूद एक पवित्र रिश्ते में आते हैं जिसका नाम है शादी। एक शादी सक्सेसफुल कब होती है? एकदम जब दोनों थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, सैक्रिफाइस। जीवन का दूसरा नाम ही परिश्रम है। अब दोनों सैक्रिफाइस करेंगे तो शादी चलेगी। अब शादी के अंदर एक बोले मैं ऐसा ही चूं, दूसरा मैं ऐसा ही चूं, तो शादी ऐसी ही चे आजू क्लियर पीछे चली जाएगी। दुनिया में सोचो एक शादी में इतने प्रॉब्लम होते हैं। एक इंसान को अगर 15 शादी करनी हो तो कितना डिफिकल्ट है, 15 बीवी को कैसे संभालेगा, एक नहीं संभालती। इधर यही तो लिखा है, आर यू क्लियर? अरे हर एक डिवाइस का हार्डवेयर अलग, सॉफ्टवेयर अलग, हार्डवेयर अलग, ऐसा ऐप बनाना जो सबको कंट्रोल कर पाए डिफिकल्ट है। वैसा ही हुआ ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हस्बैंड वाइफ, आर यू क्लियर? हाँ यही तो बोलना था। तो ये लोग करते तो हैं बट रिस्की है, यही तो हमें पढ़ना है, रिस्क ऑफ IoT बराबर। तो टेक्नोलॉजी का भी रिस्क है, सबका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेम छे के अलग छे, अलग छे लिखिए उधर। मुझे थोड़ा हार्ड लगा पर्सनली, प्लीज राइट। All devices have different hardware and software. All devices have different, क्या लिखोगे, hardware and software. All devices have different hardware and software. Comma so it is difficult to develop application. So it is difficult to develop, क्या लिखोगे, application which can, so it is difficult to develop application which can control, it is difficult to develop application which can control all devices, all devices. Okay, yes sir, ठीक है। ओके नेक्स्ट, जितना टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज होगा एनवायरमेंट के लिए अच्छा है कि खराब? ऑफ कोर्स खराब। अरे जितना ये सब ज्यादा यूज होगा ना मेटल्स, उतना खराब है एनवायरमेंट, कुछ बिगड़ेगा, नए नए डिजीज होंगे। देखो क्या लिखा, स्टडीज आर डन टू सी इंपैक्ट ऑन हाउस एयर क्वालिटी, घर के हवा पानी, ड्यू टू यूज ऑफ हैवी अर्थ मेटल इन द डिवाइस। देयर इज नो डेटा अवेलेबल एज ऑफ नाउ बट रिस्क इज बीइंग कंसीडर्ड। नई नई टाइप की बीमारी आती, पहले होती ही नहीं थी। जितना ये टेक्नोलॉजी ज्यादा है ना हमें अच्छा लगता है बट बहुत हार्मफुल है। जो मोबाइल में ज्यादा बच्चे रहते हैं, दिस इज ऑल वेरी हार्मफुल, आर यू क्लियर? तो जितना ज्यादा ये सब होगा उतना घर का हवा पानी बिगड़ेगा और दूसरे रिस्क भी आ सकते हैं एनवायरमेंट को। कितना वेस्ट होता है, ई वेस्ट, आज बहुत कोशिश कर रहे हैं ई वेस्ट को कम करने की, आर यू क्लियर? ओके तो ये भी है। ओके जितना टेक्नोलॉजी ज्यादा एनवायरमेंटल रिस्क ड्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ज्यादा एनवायरमेंटल रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजी। ओके इसी के साथ ये पॉइंट होता है समाप्त। ओके वी आर डन विद रिस्क, ये रहा। लर्न करेंगे, ये रहा आपके सामने। व्हाट आर द रिस्क ऑफ IoT, क्या क्या रिस्क है? चार, बनाने वाले को रिस्क है, यूज करने वाले को रिस्क है। रिस्क टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, रिस्क टू यूजर, रिस्क टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, रिस्क टू यूजर, रिस्क टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, रिस्क टू यूजर। यूजर में तीन थे, SIP आता है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये वो नहीं है। S, security, intentional obsolescence of device, outdate कर देंगे OS, outdate करके। P, privacy, autonomy and control, आपकी जिंदगी आपकी नहीं पराई हो जाएगी। एक और बार, S, security, I, intentional obsolescence of device, P, privacy, autonomy and control। एक और बार, S, security, I, intentional obsolescence of device, P, privacy, autonomy and control. 3, technology risk, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट के लिए अच्छा कि खराब? ऑफ कोर्स खराब। हाउस एयर क्वालिटी, मेटल ज्यादा यूज होंगे ना, हवा का, हवा पानी घर का बिगड़ेगा। एनवायरमेंटल रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजी। आई होप यू क्लियर। एक और बार बोलेंगे, रिस्क टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, रिस्क टू यूजर, अंदर SIPS,
security. I, intentional obsolescence of device. P, privacy, autonomy and control. टेक्नोलॉजी रिस्क, जितनी ज्यादा एनवायरमेंट के लिए अच्छा या खराब, खराब, हाउस एयर क्वालिटी बिगड़ेगा ड्यू टू यूज ऑफ मेटल, एनवायरमेंटल रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजी। एक और बार SIP लर्न करेंगे, सिक्योरिटी, इंटेंशनल ऑब्सोलेसेंस ऑफ डिवाइस, पी प्राइवेसी ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल, मैन्युफैक्चरर यूजर टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा एनवायरमेंटल रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजी। लर्न कीजिए, समय शुरू होता है अब, प्लीज लर्न। अब की बार आखिरी बार, व्हाट आर द रिस्क ऑफ आईओटी, कम ऑन वन लास्ट टाइम, लेट्स सी ऑलराइट, रिस्क टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, रिस्क टू यूजर, यूजर को तीन रिस्क है, SIPS क्या था, सिक्योरिटी, आई इंटेंशनल ऑब्सोलेसेंस ऑफ डिवाइस, पी प्राइवेसी ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल, टेक्नोलॉजी रिस्क जितनी ज्यादा, एनवायरमेंटल रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजी। जो नहीं आता वो एक बार पढ़ लो। 10 सेकंड का ब्रेक शुरू होता है अब, ओनली 10 सेकंड्स। बोलेंगे, बोलो, रिस्क टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बनाने वाले को, रिस्क टू यूजर, यूजर में तीन पॉइंट है, SIPS, सिक्योरिटी, इंटेंशनल ऑब्सोलेसेंस ऑफ डिवाइस, पी प्राइवेसी ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल, टेक्नोलॉजी रिस्क जितनी ज्यादा, टेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजी। आई होप आपको क्लियर है, बिना देखिए समय शुरू होता है अब, प्लीज लिखिए। ओके, आई होप आपको क्लियर है, लिख लिया होगा, देख लीजिए प्लीज। इसी के साथ यह टॉपिक होता है समाप्त, वी आर डन विद दिस टॉपिक। अब करेंगे संपूर्ण तरीके से पूरा रिवीजन ऑफ IoT। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था देखेंगे एक और बार, बने रहिए आपके सामने। ये रहा प्रश्न, बोलो IoT क्या है। डेफिनेशन, इट इज सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मशीन, ऑब्जेक्ट, एनिमल, पीपल दैट आर प्रोवाइडेड विद यूनिक आइडेंटिफायर एंड एबिलिटी टू ट्रांसफर डेटा ओवर नेटवर्क विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। डिवाइस, मशीन, ऑब्जेक्ट, एनिमल, पीपल में ऐसा कुछ यूनिक कोड होता है या फिर यूनिक सेंसर होगा जिसकी वजह से वो डेटा ले सकते हैं कि दे सकते हैं, दोनों। इंसान इंसान से बात नहीं करेगा, इंसान कंप्यूटर से बात नहीं करेगा, सब काम हो जाएंगे। लगता चमत्कार है हकीकत, इसी को हम IoT बोलते हैं। एक और बार बोलेंगे डेफिनेशन, प्लीज बोलो ना बोल दो ना। इट इज सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मशीन, ऑब्जेक्ट, एनिमल, पीपल दैट आर गिवन या दैट आर प्रोवाइडेड विद यूनिक आइडेंटिफायर एंड एबिलिटी टू ट्रांसफर डेटा ओवर नेटवर्क विदाउट ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। किधर किधर यूज होता है, होम ऑफिस वर्चिप, होम ऑफिस वर्चिप, होम ऑफिस वर्चिप,
होम में क्या था, घर के सब डिवाइस कनेक्टेड होंगे और सीसीटीवी का भी डेटा हमें एक ऐप में दिखेगा, सब काम होंगे। ऑफिस में कितनी कॉफी पी, कितनी प्रिंट आउट निकाली, एक ऐप में दिखेगा। स्वच्छ मिशन, हर एक डस्टबिन को आईओटी सेंसर से टैग करो, जैसे ही डस्टबिन फुल होगा मैसेज जाएगा सुपरवाइजर को और वो क्लीनिंग के लिए किसी को भेज सकता है, आएगा कि नहीं वो तो डाउट ही है। चिप, हर एक की बॉडी में एक चिप होगा, जैसे घर गया घर की चिप एक्टिव होगी, ऑफिस गया ऑफिस की चिप, लगता भ्रम है हकीकत, इसी को आईओटी बोलते हैं। चार जगह पे अप्लाई होता है, होम ऑफिस वाच चिप, होम ऑफिस वाच चिप। रिस्क कौन से है, बनाने वाले को रिस्क है, यूज करने वाले को रिस्क है, मैन्युफैक्चरर यूजर, मैन्युफैक्चरर को क्या रिस्क था, ही हैज टू कीप एवरीथिंग सिक्योर, और वो जल्द आउट ऑफ बिजनेस हो सकता है बिकॉज उसको बार बार अपडेट करना पड़ेगा, तो पुराने स्टॉक का क्या होगा। यूजर, SIP, एस क्या था, सिक्योरिटी, इंटेंशनल ऑब्सोलेसेंस ऑफ डिवाइस, प्राइवेसी, ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। सिक्योरिटी क्या था, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इंटरनेट के जितने भी रिस्क है, हैकिंग, वायरस, ये सब हो सकता है। इंटेंशनल, वो कभी भी आपके डिवाइस को आउटडेट कर सकते हैं, उनका OS डीएक्टिवेट करके। अब आपको अगर चलाना है या कॉम्पिटेबल रखना है तो नया ही वर्जन आपको लेना पड़ेगा, ऐसा आपके साथ वो खिलवाड़ कर सकते हैं, आपके डिवाइस को कभी भी आउटडेटेड कर सकते हैं। और लास्ट, आपकी जिंदगी आपकी नहीं पराई हो जाएगी, उनको सब पता है आप क्या करते हो, कैसे संबंध है आपका, क्या दिनचर्या है, क्या एक्टिविटी है, कोई भी इंसान इसको मिसयूज कर सकता है। लास्ट, टेक्नोलॉजी रिस्क, बोलो आईओटी में एक डिवाइस है कि बहुत सारे, हर डिवाइस का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेम छे के अलग छे, डिफरेंट है, आर यू क्लियर। तो ऐसा ऐप बनाना जो सबको कंट्रोल कर पाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये करते तो है पर रिस्की है। जितना टेक्नोलॉजी ज्यादा, एनवायरमेंट के लिए अच्छा या खराब, खराब। ओके, देयर इज रिसर्च इज डन टू सी द इंपैक्ट ऑन हाउस एयर क्वालिटी ड्यू टू यूज ऑफ हैवी अर्थ मेटल इन द डिवाइस। बराबर, जितने मेटल ज्यादा होंगे घर की क्वालिटी खराब होगी। एक बार लर्न कर ले, आखिरी बार, रिस्क टू मैन्युफैक्चरर यूजर, मैन्युफैक्चरर यूजर, यूजर में क्या था, SIPS, सिक्योरिटी, इंटेंशनल ऑब्सोलेसेंस ऑफ डिवाइस, पी, प्राइवेसी, ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल, थ्री, टेक्नोलॉजी रिस्क, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजी। आई होप यू आर क्लियर। ओके, इसी के साथ आईओटी समाप्त होता है, संपूर्ण डिवीजन के साथ बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच सुनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए,